खबर कटनी से है, जहां कटनी जिला प्रशासन ने मिशन आधार के तहत हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के बच्चों की वार्षिक परीक्षा आसान बनाने के लिए फ्री बुकलेट बांटे। बुकलेट का निर्माण कलेक्टर द्वारा सांसद और विधायक निधि के आर्थिक सहयोग से किया गया है, जिसमें 40 विषयों के 22,875 बुकलेट का निर्माण कराया गया। स्कूलों में टीचरों द्वारा बुकलेट से 10-10 प्रश्न डेली सॉल्व कराए, जिससे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हुआ और एग्जाम में मदद मिली। वहीं बच्चों का कहना है कि मिशन आधार बुकलेट के कारण हम एग्जाम में 90 से 95% तक स्कोर कर सकते हैं। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड का 12वीं की परीक्षाओं का आज अंतिम दिन है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कटनी जिले का देवगांव हाई स्कूल पे खड़े हैं, जहाँ पे बच्चों ने, ये तमाम बच्चे आज 12वीं की जो आखिरी परीक्षा का था, परीक्षा देने के बाद आज फ्री होके हम इनसे चर्चा करेंगे कि आप लोगों की परीक्षाओं का अभी तक जो परीक्षाएं थी किस तरह का दिया। अब इन बच्चों का इंतजार रहेगा परीक्षा परिणाम का। परीक्षा परिणाम की अगर बात करें हम, कटनी जिला प्रशासन के द्वारा या खास तौर पर कह सकते हैं कटनी के कलेक्टर के द्वारा एक नवाचार किया गया था, जिस तरह की बच्चों के अध्ययन में इनकी पाठ्य पुस्तिकाएं मददगार साबित होती है और सहयोगी होती है, उस तरह जिला प्रशासन ने अपने शिक्षकों के माध्यम से एक बुकलेट का तैयार किया था, जिसका नाम था मिशन आधार। हम आपको दिखाना चाहेंगे मिशन आधार। मिशन आधार के तरफ से ये पूरा जो सिलेबस था, यानी हर विषय के अलग अलग बुकलेट बनाई गई थी, इन बुकलेट के माध्यम से बच्चों को वितरित किया गया था। ये पूरी बुकलेट सभी स्कूलों में, यानी 22,875 के आसपास, यानी 23,000 ये पुस्तिकाएं वितरित की गई थी निःशुल्क रूप से तमाम बच्चों को। ये पुस्तकें आप लोगों को मिली थी, इसी के आधार पर आप लोगों ने अध्ययन किया था, परीक्षाएं भी आपने इसी आधार पर दिया था। जिस तरह का बच्चों ने बताया कि हमारे परीक्षाओं में ये बुकलेट यानी मिशन आधार बहुत कारगर साबित हुई है। बेटा, आप लोगों ने एग्जाम दिया हर विषय पे, कितना साबित अच्छा, और इसमें जो प्रश्न उत्तर आए थे कितना, कितने प्रतिशत आया? आधे से ज्यादा। क्या लगता है परिणाम भी अच्छा आएगा? क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमारी। कहाँ पढ़ती हैं आप? देवगांव। देवगांव में। अंजलि, ये अंजलि है जो 12वीं की आज भूगोल परीक्षा दी है, आज अंतिम तिथि था। आप लोगों को विद्यालय से निःशुल्क मिली थी? यस सर। हर विषय की मिली थी? यस। तो अभी तक का जो पुस्तिकाएं आपने पढ़ा है, जो तैयारियां की परीक्षाओं के लिए, कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर, और ये अच्छा था, और इससे हमारा पेपर बहुत अच्छा आया है, और हम लोग अच्छे से पेपर दिए हैं। ये आप लोगों ने पढ़ाई किया, परीक्षा दिया, इस पुस्तिका को ध्यान में रख के पढ़ाई किया था आपने? कैसा रहा? अच्छा गया है सर। आप बताए क्या नाम है आपका? अनिल पटेल। किस विषय का पेपर था? भूगोल का। भूगोल का। जिस तरह का बालकों ने भी बताया, हमने पढ़ाई में और अध्ययन किया, आज परीक्षाओं की तैयारी किया, इस पुस्तक मिशन आधार, इस पुस्तिका को निर्माण करने में कितना वक्त लगा? लगभग हमारा 20 दिन से एक माह के बीच हमारी 40 शिक्षकों की टीम ने इसे तैयार किया। कितनी पुस्तिका निर्माण किया था आप लोगों ने? देखिए, हम लोगों ने इसको 22,800 से अधिक पुस्तक निःशुल्क बच्चों को, शासकीय विद्यालय के बच्चों को बांटी है। मध्य प्रदेश सरकार के, कह सकते हैं, जो स्थानीय विधायक और सांसद है, उनकी निधि इससे समाहित है, जिसके आर्थिक मदद से इस पुस्तिका का निर्माण किया गया था। अब देखना होगा परिणाम में ये पुस्तिका कितनी कारगर साबित होती है। एमकेएन के लिए जाहिद सिद्दीकी, कटनी।